भाग एक, सकारात्मक सोच का कमाल। परिचय। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान पैसे को लेकर तंगी का दौर था। उस समय मैं छात्र ऋण लेकर पढ़ाई कर रहा था। हालांकि उसका अधिकांश भाग मेरे रहने की समस्या को हल करने में खर्च होता था। मेरे पास गुजारे के लिए बहुत थोड़ा बच पाता था। मैं अपने कोर्स से जुड़ी पुस्तकों को नहीं खरीद पाता था क्योंकि मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं होते थे। मैं अपनी माँ से पैसे नहीं मांग सकता था क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि वह खुद अपनी परेशानियों को हल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मैं जानता था कि अगर मैं उनसे पैसे मांगता तो वे कहीं से भी जमा कर मुझे पैसे दे देते, जैसा कि उन्होंने सारी जिंदगी किया था, फिर चाहे इसके लिए उन्हें भूखे क्यों न रहना पड़े। अपनी अधिकतर जरूरतों को मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी सीमित आमदनी में पूरा करना सीख गया था। मैं बाहर जा सकता था और अपने दोस्तों के साथ अक्सर पार्टी करता था। मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ा और ना ही मेरा समय एक ही कपड़ों को पहनकर गुजरता था। मैं ऑनलाइन कुछ काम जैसे MySpace पर पेज लेआउट का काम करना से कुछ पैसे कमा लेता था। एक बार समर टर्म के दौरान मैं छुट्टियों में ब्रेक के लिए अपने घर आया। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं यूनिवर्सिटी वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था और ना ही मेरे अंदर अपने समर असाइनमेंट को पूरा करने की कोई चाहत बची थी क्योंकि मैंने उस साल अधिकतर समय पढ़ाई करते हुए बिताया था। मुझे उस समय जॉब करने की बहुत जरूरत थी जिससे कि मैं यूनिवर्सिटी में वापस जाकर अपने सभी खर्च आसानी से पूरे कर सकूं। मेरे सभी दोस्त छुट्टियों में साथ मिलकर कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मैं उनके साथ पैसे की तंगी के कारण नहीं जा सकता था और मेरा एक लड़की के साथ भी कुछ मतभेद चल रहा था। मेरे निजी जीवन में चल रही नाटकीयता और जिंदगी की जद्दोजहद ने मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर दिया और मैं जीवन के प्रति उदासीन हो गया। एक शाम मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम द सीक्रेट था। लोगों का कहना था कि इसने उनके जीवन को बदल दिया और इसे पढ़ने से सभी को लाभ मिल सकता है। इसे साधारण से आकर्षण के सिद्धांत पर लिखा गया था। आकर्षण के सिद्धांत का आधार वाक्य यह है कि आप जो भी चीज शिद्दत से चाहते हैं उसे आपके पास लाने की कोशिश सारी कायनात करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जिन चीजों को अपने जीवन में चाहते हैं उन्हें अपनी तरफ अपने विचार और सोच को पूरी तरह से केंद्रित कर आकर्षित कर सकते हैं। यह सिद्धांत उन चीजों पर ठीक इसी तरह लागू होता है जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते। यह आम सी ही बात है, आप जिस पर भी अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करेंगे वह आपके पास खींची चली आएगी। तो आकर्षण का सिद्धांत आपके उस चीज के बारे में सोचने के महत्व पर जोर देता है जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं, बजाय इसके कि जिसका आपको डर या भय है। आकर्षण का सिद्धांत सकारात्मक सोच पर बहुत ज्यादा जोर देता है। मेरे लिए यह बहुत ही सही साबित हुआ, इसीलिए मैंने इस पर और अधिक शोध करना शुरू कर दिया और उन लोगों के बारे में पढ़ा जो यह दावा कर रहे थे कि आकर्षण के सिद्धांत ने उनके जीवन में अद्भुत बदलाव किए हैं। क्या मैं इसे अपने जीवन में भी लागू कर सकता हूँ? मैं जानता था कि मुझे क्या चाहिए, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर जाना, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे लगभग $500 चाहिए थे। अतः मैंने उससे जुड़े आम निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया और जितना मेरे लिए संभव था सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। एक सप्ताह या उससे कुछ समय बाद मुझे टैक्स ऑफिस से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि शायद मैंने ज्यादा टैक्स भर दिया है। क्या यह संकेत था कि आकर्षण का सिद्धांत अपना काम कर रहा था? मैंने अपनी सभी जानकारियां उनके फार्म में भरकर जितना जल्दी हो सकता था उनको पोस्ट कर दिया। एक सप्ताह बीत गया पर मेरे पास कोई खबर नहीं आई। मेरे दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उनके साथ नहीं जा पाऊंगा। टैक्स में मिलने वाली छूट का विचार मेरे दिमाग में दौड़ रहा था। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। परेशानी में मैंने टैक्स ऑफिस में फोन किया और पूछा कि क्या उन्हें मेरा पत्र मिला है। उन्होंने बताया कि मेरा पत्र उन्हें मिल चुका है और उसका जवाब मुझे जल्दी ही मिलेगा। उस समय मैं बहुत उत्साहित हो गया था, लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास था कि समय बीतता जा रहा है। समर टर्म खत्म होने को था और मेरे दोस्त जल्दी ही जाने वाले थे। इसी तरह एक और सप्ताह बीत गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी उम्मीद खत्म होती जा रही। मैंने अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि वे घूमने के लिए टिकट बुकिंग मेरे बिना करवा लें। मैंने अपना ध्यान कहीं और लगाने का निश्चय किया और अपने मूड को ठीक करने के लिए प्रेरणादायक चीजों को पढ़ने लगा। तो
कम से कम इससे मैं जीवन के बारे में थोड़ा अच्छा सोच सकता था। कुछ और दिन बीत गए, फिर टैक्स ऑफिस से एक लिफाफा आया। मैंने घबराते हुए उसे खोला। उसके अंदर $800 का चेक था। मैं हैरान रह गया। उस समय मैं बहुत उत्साहित था और खुशी से झूम रहा था। मैं जितना जल्दी हो सकता था बैंक की तरफ चेक को जमा करवाने के लिए भागा। आमतौर पर चेक को पास होने में 5 दिन का समय लगता है, लेकिन उस चेक की राशि मेरे अकाउंट में 3 दिन में ही आ चुकी थी। अगले सोमवार को मेरे दोस्त और मैंने अंतिम क्षणों में घूमने के लिए टिकट बुक करवाई और 4 दिन बाद घर से निकल पड़े। वहाँ मेरा समय बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि आकर्षण के सिद्धांत पर मेरा विश्वास पक्का हो चुका था। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं इसका इस्तेमाल अपने पूरे जीवन में बदलाव लाने के लिए करने वाला हूँ। आकर्षण के सिद्धांत में कुछ कमी है। आकर्षण के सिद्धांत का काम ठीक से करने के लिए यह जरूरी है कि आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहे। हालांकि हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। जब जीवन में मुश्किलें आएं या सब कुछ गलत हो रहा हो अथवा कुछ भी हमारी मर्जी के मुताबिक न हो, तो आशावादी बने रहना पहाड़ को हिलाने जैसा कठिन लगता है। मुझे जानने वाले अधिकतर लोग मुझे एक सकारात्मक सोच वाले इंसान के तौर पर जानते हैं, लेकिन जब चीजें मेरे लिए कठिन हो जाती हैं, मैं सकारात्मकता से कोसों दूर हो जाता हूँ। क्रोध हमेशा मुझ पर हावी हो जाता है। कभी कभी बाहरी घटनाएं मेरे अंदर इतना अधिक क्रोध भर देती कि मेरे सामने जो भी चीज आती उसे मैं बर्बाद कर देना चाहता था। परिणाम स्वरूप मैं पतन की ओर बढ़ चला। मैं लगातार ऊपर से नीचे और फिर बहुत नीचे की ओर बढ़ जाता था। मैं ऐसा हो गया जैसे मैं एक नहीं दो व्यक्तित्व को एक साथ जी रहा हूँ। इन उतार चढ़ावों का मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मेरे जीवन में इस दौरान कुछ बहुत अच्छे अनुभव भी रहे, तो मुझे कुछ बहुत बुरे दौर से भी गुजरना पड़ा। बुरे अनुभवों के दौरान मेरे लिए सोच का सकारात्मक रखना लगभग असंभव हो जाता था। ऐसे में परिस्थितियां मुझ पर हावी हो जाती थी और मैं अपने गुस्से को पूरी दुनिया को तबाह करने के उद्देश्य से फर्नीचर तोड़कर, लोगों के साथ बदतमीजी से बात कर और यह बताकर जाहिर करता था कि इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। यूनिवर्सिटी में मेरे अंतिम वर्ष के दौरान मुझे उस ग्रुप प्रोजेक्ट की वजह से बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसका मेरे फाइनल अंक प्रतिशत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला था। जब मेरा ग्रुप इस आधार पर बट गया कि उसके लिए किसने कितना योगदान किया है, मैंने उसे लेकर आशावादी बने रहने की कोशिश की और इसी उम्मीद में रहा कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाकई सब कुछ बहुत खराब हो गया था। अचानक यह पूरी तरह से साफ हो गया था कि आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम नहीं करता। मेरा ग्रुप पूरी तरह बढ़ चुका था। हम सब अपनी अपनी भूमिकाओं को लेकर और हम में से प्रत्येक सदस्य कितनी मेहनत कर रहा है इस पर लगातार बहस कर रहे थे। यह सब हमारे ग्रेजुएशन से ठीक 1 महीने पहले हो रहा था। चीजें पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई थी और हम एक दूसरे को उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। दुर्भाग्यवश इस समस्या को हल करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं था। मेरे दोस्त डैरिल और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन हम इसके बारे में 10 गुना अधिक मेहनत करने से अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहे थे। प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि नजदीक आ रही थी और हमारे लिए काम पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा था, खास तौर पर हमारे और कामों के साथ। हम यह मानकर चल रहे थे कि हम असाइनमेंट और परीक्षाओं में पास नहीं होने वाले हैं और इसीलिए हमें ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं मिलने वाली है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने यूनिवर्सिटी में अपना सारा समय बर्बाद किया है। मैं यूनिवर्सिटी इसीलिए गया था क्योंकि मुझे लगा जैसा मुझे वहां जाना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी जॉब और आरामदायक जीवन, जिसे मैंने अपने बचपन में कभी नहीं जिया था, वह चाहिए था, तो आपको वहां जाना ही चाहिए। लेकिन अंदर से कहीं कुछ मुझे आभास था कि वास्तव में मैं वहां नहीं जाना चाहता। मुझे वहां कोई खुशी नहीं मिलती थी। मैं हमेशा से यह जानता था कि इसके बाद मैं अन्य सभी ग्रेजुएशन करने वाले लोगों की तरह कोई जॉब नहीं करने वाला हूँ। मैं यह किसी और चीज से ज्यादा अपनी माँ के लिए कर रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को उनको संघर्ष करते हुए देखा था और उनको यह दिखाना चाहता था कि उनकी सारी मेहनत बेकार नहीं हुई। अब जब मैं डिग्री पूरी करने के बिल्कुल करीब था, तो सब कुछ मुझसे दूर ले जाया जा रहा था। उस समय मैं बस यही सोच पा रहा था कि मैं अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैं अपनी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और मैं फेल होकर अब तक डिग्री पर जो भी खर्च किया है वह सब बर्बाद करने वाला। सब कुछ बेकार था। मैं नकारात्मक विचारों से घिर चुका था।
मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वहाँ रहने की कोई वजह नहीं बची है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा था वह नाइंसाफी थी। मेरे अंदर जो कुछ भी उस समय चल रहा था मैं उससे बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, अतः मैं अपनी माँ को ही उस सब के लिए जिम्मेदार ठहराने लगा। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे इस बात के लिए मनाया कि मैं अपनी पढ़ाई ना छोड़ूं, वहीं रहकर मेरे वश में जो कुछ है वह सब करूं। लेकिन मैं गुस्से से पागल हो चुका था और बस उनसे बहस किए जा रहा था। अपनी कभी न खत्म होने वाली परेशानियों से मैं परेशान हो चुका था और मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था। मुझ में जिंदगी जीने की कोई वजह या चाह नहीं बची थी। मेरे उस बुरे दौर में ही मुझे अपने जीवन में कुछ सबसे बुरे अनुभवों से फिर से गुजरना पड़ा, जिसने आग में घी डालने का काम किया। मेरी परिस्थितियों ने मुझे यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, ऐसे सपने देखने का क्या फायदा जिन्हें मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। मैंने खुद को यह समझा दिया था कि मेरा ऐसा सोचना कि मैं भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकता हूँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा झूठ है जिसे मैं जी रहा हूँ। मेरे लिए ऐसा सोचना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। उस समय मेरे लिए यह पूरी तरह से साफ हो चुका था कि मेरे लिए कुछ बड़ा करना संभव ही नहीं था। मैं रोजगार की तलाश में रोजगार से संबंधित वेबसाइट्स को खंगालने में लग गया और उन सभी के लिए आवेदन कर दिया जो मुझे ठीक लग रही थी और जिनकी सैलरी अच्छी थी, जबकि उनमें जो योग्यता मांगी गई थी वह मेरे पास नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाती है तो कहीं मैं एक असफल इंसान न कहलाऊं और इस तरह मेरे पास अपने परिवार के कर्ज बिल और खर्चे जिनमें मेरी बहन की शादी भी शामिल थी के लिए कुछ पैसे तो हो जाएंगे। अपने कवरिंग लेटर में मैंने विस्तार से अपनी परिस्थिति को समझाते हुए लिखा कि हालांकि उन्होंने नौकरी के लिए जो योग्यता मांगी है वह मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए सबसे बेहतर कर्मचारी साबित होऊंगा। मेरे आवेदनों का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इन सबके बीच मन ही मन कहीं ना कहीं मैं यह जानता था कि मैं इतनी दूर आने के बाद यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ सकता। मैंने अपनी परेशानी का हल तलाशने के भरसक प्रयास किए, लेकिन अब समय था कि उस नतीजे का सामना करने का और यह उम्मीद करने का कि सब कुछ ठीक हो। पर सबसे पहले मुझे अपनी बड़ी बहन की शादी में शामिल होना था। इससे मैं और भी दबाव महसूस कर रहा था। इसका मतलब था मुझे अपनी असाइनमेंट को और लोगों से पहले पूरा करना था और अपनी फाइनल डेडलाइन से ठीक 2 महीने पहले मुझे छुट्टियां लेनी थी, जो मुझे और भी निराशावादी बना रहा था। यह जानते हुए कि मुझे अपने फैसले पर जीवन भर अफसोस होगा, मैं अपने परिवार के सामने अपनी बहन की शादी में न जाने की बात पर अड़ा रहा। पर अंत में हालांकि अनमने मन से ही सही मैं शादी में गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं स्वयं को बहुत हल्का और शांत महसूस करने लगा। मेरी बहन की शादी गोवा भारत में थी और वह बहुत शानदार थी। वहां पर सभी लोगों के चेहरे खुशी एवं मेरी बहन और उनके अभी अभी बने पति के लिए प्रेम की वर्षा से चमक रहे थे। सच कहूं तो उस समय तक मैं खुशी महसूस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मैं अपनी उदासी और खुद पर तरस खाने में ही सहज महसूस कर रहा था और यह भी चाहता था कि दूसरे भी मुझ पर तरस खाएं। लेकिन इस नए माहौल ने मेरे अंदर एक नए तरह का उत्साह भर दिया। काफी लंबे समय बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी बहन की शादी हमेशा याद रहेगी। इसने मुझे इस बारे में बहुत कुछ सिखाया कि इस ब्रह्मांड का संचालन किस तरह होता है। मेरे घर वापस आने के बाद वहां से मिली सकारात्मक सोच मेरे लिए साथ रही। मैं अपने आसपास के परेशानियों से भरे माहौल के बावजूद बहुत अच्छा और शांति महसूस करता था और इस बदलाव से मुझे जो नई ऊर्जा मिली थी उसने मुझे जो काम करने की मुझे जरूरत थी उसे करने के लिए प्रेरित किया। मैंने एक डमी स्कोर कार्ड उन अंकों का अनुमान लगाते हुए बनाया जो मुझे अपनी डिग्री के लिए हर जगह से मिलने की उम्मीद थी। मैं हर रोज कुछ समय के लिए उसे जरूर निहारता। उस समय मैं ऐसा सोचता जैसे उस स्कोर कार्ड में जो भी अच्छे अंक हैं वे वास्तविक हैं। मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं यह अंक प्राप्त कर सकता हूँ। बस वह मेरी इच्छा थी, लेकिन मुझे यह विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मैंने हर रोज लाइब्रेरी जाकर वहाँ अच्छा खासा समय बिताने का मन बना लिया। मैंने ग्रुप असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी उससे अधिक मेहनत की। पढ़ाई से कुछ समय के लिए ब्रेक के दौरान मैं सकारात्मक सोच वाले उन लोगों के साथ बातें करने लगा जो मेरे बारे में अपनी सोच को सकारात्मक करने और अच्छा महसूस करने में मददगार थे। उनमें से एक वह महिला थी जिससे मुझे आगे चलकर जीवन भर के लिए प्यार हो गया। जब परीक्षा असाइनमेंट जमा करने और फाइनल ईयर के
प्रेजेंटेशन का समय आया, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अच्छी खासी तैयारी कर चुका हूँ। जब मेरी परीक्षाएं हो गई, मुझे उतने अंक तो नहीं मिले जितने मेरे डमी स्कोर कार्ड पर थे, पर मैं आराम से पास हो गया था। और मेरे लिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात थी कि कोर्स की सबसे कठिन मेरे लिए परीक्षा में मेरा प्रदर्शन शानदार रहा। मैंने आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए इस तरह की सफलताएं आगे भी हासिल की, लेकिन संपूर्ण तौर पर मिले परिणाम की बात करें तो बस मेरी अपनी किसी चूक का एहसास करने की। उस समय मैं जानता था कि मैं कोई भूल कर रहा हूँ। एक बार जब मुझे पता चल जाता था कि कहाँ चूक हो रही है, तो मुझे लगातार सफलता मिलनी शुरू हो गई। आगे चलकर मैं इस दूसरे पर भी इस उद्देश्य के साथ आजमाने लगा कि क्या उन्हें भी मेरी खोज से लाभ होता है, और सच मानिए उनको हुआ। सच कहूँ तो उनमें से बहुत लोगों तो उन कार्यों को करने में सफल रहे जो उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं जो कुछ चाहता था वह सब हो रहा था। यह अक्सर मेरे लिए उस स्थिति में वरदान साबित होता जब मेरी भलाई उस चीज को न पाने में ही छिपी होती। मैं मानता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी चीज की चाह गलत तरीके या चाहत के साथ करता था। अब समय के साथ साथ मेरी सोच में एक स्पष्टता आ गई है, और जब कोई ऐसी चीज मुझे नहीं मिलती जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बनी है, तो मैं यह मानकर गहरी सांस लेकर संतोष कर लेता हूँ कि मेरी भलाई न मिलने में ही है। अक्सर ऐसा भी होता है कि मुझे कोई चीज जिसकी मैं चाह करता हूँ बस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि किस्मत में मेरे लिए उससे अच्छा कुछ लिखा होता है। ऊर्जा का सिद्धांत। आपकी ऊर्जा पर यह ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। आप जैसी ऊर्जा इसमें लगाते हैं वही आपके पास वापस आती है। आकर्षण के सिद्धांत से परे ऊर्जा का सिद्धांत है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक बार जब आप इस सिद्धांत के आसपास अपने विचारों को रखना और इस सिद्धांत के अनुसार लागू करना सीख जाते हैं, तब आपका पूरा जीवन बदल जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसके बाद आप सभी परेशानियों से बच जाते हैं। आप क्या करेंगे यदि आप खुद पर नियंत्रण रखने का मार्ग तलाश लें और उस जीवन को अपने लिए चुनें जो ठीक वैसा ही हो जैसा वह दिखता है। आत्मविश्लेषण के विषय पर लिखने वाले सबसे पहले लेखकों में से एक नेपोलियन हिल हैं। सन 1937 में प्रकाशित उनकी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच अब तक एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक मानी जाती है, और दुनिया के बहुत से उद्यमी गुरुओं ने सफलता प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक के मार्गदर्शन की प्रशंसा की है। अपनी इस पुस्तक के लिए हिल ने जो मेहनत की उसमें 500 सफल स्त्री व पुरुषों के साक्षात्कार सम्मिलित हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि सफल होने के लिए उन्होंने क्या किया। फिर हिल ने उन सबसे प्राप्त जानकारी को पुस्तक में अपने पाठकों के साथ साझा किया। पुस्तक में निष्कर्ष पर पहुंचते उन्होंने दावा किया कि हम जो कुछ भी हैं वह विचारों की उस ऊर्जा की वजह से हैं जिसे हमने अपने रोजमर्रा के वातावरण से प्रेरित होकर चुना और अपने अंदर संचित किया। हिल द्वारा अपनी पुस्तक में ऊर्जा की अवधारणा के लिए बहुत सारे संदर्भ दिए गए हैं, और आप देखेंगे कि अंग्रेजी शब्द वाइब्रेशन है जिसका हिंदी अर्थ यहाँ पर ऊर्जा है, और जिसे आजकल आमतौर पर वाइब शब्द से संबोधित किया जाता है। मेरी इस पुस्तक में ऐसा ही किया गया है। उनकी पुस्तक के बहुत सारे संस्करण आने के पश्चात पुस्तक में वाइब्रेशन शब्द का जिक्र भी नहीं किया गया। हो सकता है कि प्रकाशकों को इस पर विश्वास ना हो कि संसार हिल की अवधारणा के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि आज भी वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी के चलते ऊर्जा से संबंधित तात्विक सिद्धांत आलोचनाओं में उलझा रहता है। इसके बावजूद ऊर्जा के सिद्धांत की व्याख्या करने के कई बार प्रयास किए गए हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन और लेखक ग्रे ब्रेंडन उन चुनिंदा शख्सियतों में से हैं जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच खाई को पाटने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके विचार किस तरह हमारी सोच, हमारे जीवन जीने के तरीके पर अपना प्रभाव डालते हैं, इस अवधारणा को ऊर्जा के सिद्धांत द्वारा ही सुझाया गया है। जबकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह आधुनिक छद्म विज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि मैं, जिसने पाया कि ऊर्जा का सिद्धांत मेरे अंदर तक समा गया है, और मैं जानता हूँ और लोगों ने भी ऐसा ही पाया होगा, मैंने देखा है कि ऊर्जा के सिद्धांत का उपयोग कर बहुत से चमत्कारिक बदलाव हुए हैं, और अब चाहे आप इस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले बने या दूसरी तरफ खड़े लोगों में शामिल हो जाएं, इस पूरी पुस्तक को पढ़ने के दौरान आप यह जानेंगे कि ऊर्जा के सिद्धांत से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी किसी चीज को पहली बार आजमाकर जो अनुभव प्राप्त होता है वह गौर करने वाले किसी भी आंकड़े या ग्राफ से अधिक मूल्यवान होता है। ऊर्जा का सिद्धांत क्या है?
तो हम आपको यह याद दिलाते हुए शुरुआत करना चाहते हैं कि इस संसार में जिस भी चीज की रचना हुई है वह छोटे छोटे अणुओं से बनी हुई है। प्रत्येक अणु में कुछ ऊर्जा विद्यमान होती है, इसीलिए इस संसार के सभी तत्व और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान होती है। यदि आप अपनी स्कूली पढ़ाई को फिर से याद करें तो वहाँ हमें पढ़ाया गया था कि ठोस, द्रव एवं गैस तत्व की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। एक आणविक स्तर ऊर्जा की बारंबारता यह परिभाषित करती है कि वे किस अवस्था में हैं और हमारे सामने किस रूप में उपस्थित होंगे। वास्तविकता यह है कि हम जैसा महसूस करते हैं उसी के अनुसार ऊर्जा से मिलान करते हुए चीजें हमारे सामने होती हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तविकता को महसूस करने के लिए हमें ऊर्जात्मक रूप से उसके अनुरूप होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, इंसानों के कान 20 से लेकर 20,000 तक प्रति सेकंड ध्वनि तरंगों की ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इससे कम या अधिक ऊर्जा की ध्वनि तरंगें इस संसार में विद्यमान ही नहीं है, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। जब एक कुत्ता सनसनाहट करता है तो उसकी बारंबारता इंसानी कानों की ऊर्जात्मक श्रेणी के परे होती है और इसीलिए वह हमारे लिए न होने के समान होती है। अपनी पुस्तक द वाइब्रेशनल यूनिवर्स में आध्यात्मिक विषय के लेखक केनेथ जेम्स माइकल मैकलिन लिखते हैं, हमारी 5 इंद्रियां हमारे विचार के साथ साथ सभी वस्तुएं व ऊर्जा ऊर्जावान होती हैं। वे कहते हैं कि वास्तविकता और कुछ नहीं, बस ऊर्जात्मक व्याख्या द्वारा जो कुछ भी परिभाषित किया जाता है उसे महसूस करना है। हमारा ब्रह्मांड स्पष्ट तौर से ऊर्जात्मक फ्रीक्वेंसी का एक बहुत गहरा समुद्र है। इसका अर्थ है कि वास्तविकता ऊर्जावान वायु है जो ऊर्जा के हुए बदलावों पर प्रतिक्रिया देती है। यदि यह ब्रह्मांड हमारे विचारों, शब्दों, भावनाओं और क्रिया पर प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि मैकलिन के अनुसार वे सभी ऊर्जात्मक होते हैं, तो फिर ऊर्जा के सिद्धांत द्वारा यह मान लिया जाए कि हम अपनी वास्तविकता को नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने सोचने, महसूस करने, बोलने और कार्य के तरीके को बदलो और आप पाओगे कि आपका सारा संसार बदल रहा है। किसी भी विचार को वास्तविक बनाने के लिए या कुछ सीमा तक जैसा आप महसूस करते हैं वैसा बनाने के लिए आपको आवश्यक तौर पर उसकी ऊर्जात्मक फ्रीक्वेंसी के साथ खुद का मिलान करना होगा। कोई चीज आपके पास जितनी अधिक वास्तविक या ठोस रूप में होगी, आप उसके उतना करीब ऊर्जात्मक तौर से होंगे। यही कारण है कि जब आप सचमुच किसी चीज पर विश्वास करने लगते हैं और ऐसे काम करने लगते हैं जैसे वह सच हो चुकी है, तो आप इस बात की संभावना को बढ़ा देते हैं कि वह भौतिक रूप से भी आपके पास आ जाए। उस वास्तविकता को जो आपकी चाहत है पाने या महसूस करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपने जो कुछ भी चाहा है उसके साथ आपकी ऊर्जात्मक समरसता हो। इसका अर्थ यह है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसके साथ हमारे विचारों, भावनाओं, शब्दों और कर्मों का तालमेल होना चाहिए। इसे 2 ट्यूनिक फॉक जिसकी फ्रीक्वेंसी एक समान व्यास पर है से प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि आप उनमें से एक पर प्रहार करते हैं और उसमें कंपन शुरू हो जाता है तो उसके साथ ही दूसरा फॉक भी अपने आप ही कांपने लगता है, जबकि आपने उसे छुआ भी नहीं होता। पहले ट्यूनिंग फॉक में से जिस पर आपने प्रहार किया था, ऊर्जा उस ट्यूनिंग फॉक में स्थानांतरित हो जाती है जिसे आपने नहीं छुआ, क्योंकि वे दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर अनुसंगत होते हैं। वे आपस में ऊर्जात्मक तौर से एक समान होते हैं। यदि वे ऊर्जात्मक रूप से एक समान ना हो तो ट्यूनिंग फॉर्क जिस पर प्रहार किया गया है का प्रभाव दूसरे पर बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक इसी तरह किसी खास रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए आपको रिसीवर को उस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होता है। आपके पास किसी भी रेडियो स्टेशन को सुनने का बस एक यही रास्ता है। अगर आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो आपको किसी दूसरे ही स्टेशन के कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। एक बार जब आप किसी चीज के साथ ऊर्जात्मक अनुकंपित होने लगते हैं तो आप उसे अपनी वास्तविकता में अपनी ओर खींचने लगते हैं। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं का उत्तर तलाशने का सबसे आसान मार्ग आपकी भावनाओं से होकर गुजरता है। आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा का सबसे सही प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। कभी कभी हो सकता है कि हमारा मानना है कि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं या सही कदम उठा रहे हैं, लेकिन अंतर्मन में कहीं हमें पता होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम बस दिखावा कर रहे हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को पूरा ध्यान दें तो हम अपने भीतर समाहित ऊर्जा के वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं।
और इसीलिए हम उसे भी अपनी ओर खींच सकते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। यदि हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और परिणाम स्वरूप हम सकारात्मक कदम उठाते हैं। बस सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच वाले विचार सबसे अधिक ऊर्जावान होते हैं। अच्छा और सकारात्मक जैसे शब्दों का प्रयोग परस्पर किसी ऐसी वस्तु के लिए होता है जो वांछित है। उदाहरण के लिए, जब भी आप अपने साथ घट चुकी किसी घटना का जिक्र यह कहते हुए करते हैं कि वह अच्छी या सकारात्मक थी, तो आप उसे इस तरह से इसलिए संदर्भित कर रहे होते हैं क्योंकि वह ठीक वैसी रही जैसी आशा आपने की थी, या कम से कम उतनी बुरी नहीं जितनी आपने सोची थी। निसंदेह आवश्यक तौर पर आप अपने जीवन में किसी भी चीज की आशा इसी सोच के साथ करते हैं क्योंकि वह आपको खुशी देती है, अच्छा महसूस कराती है। जीवन की सभी आशाएं इसीलिए होती हैं कि हम खुश रहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें और गम व उदासी से कोसों दूर रहें। हम में से अधिकतर लोगों का मानना है कि हमारी इच्छाएं हमें खुशी की ओर ले जाती हैं। प्रकृति द्वारा आपको दी गई भावनाओं की शक्ति सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और मूलभूत तौर पर हम हमेशा सकारात्मक भावनाओं की ही खोज में रहते हैं। हम यह तर्क रख सकते हैं कि हमारे जीवन भर यही खोज रहती है कि हमें अच्छी ऊर्जा का अनुभव हो। इसके बारे में जरा सोचें, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको अपना जीवन भी अच्छा लगने लगता है। अगर ऐसा संभव हो जाए कि आप निरंतर अपने जीवन में अच्छी ऊर्जा का अनुभव कर सकें, तो आप अपने जीवन को हमेशा सकारात्मकता के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए पाएंगे। फिजिशियन डॉक्टर हैंस जेनी को साइमेटिक्स शब्द को रूपित करने के लिए जाना जाता है, जो कि दृश्यात्मक ध्वनि व ऊर्जा का शोध होता है। उनके एक सबसे बेहतर प्रयोगों में से एक में एक धातु के पात्र में बिखेरे गए रेत के कणों पर वायलिन के तारों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर छेड़कर निकाली गई ध्वनि से कणों में हुए कंपन को दर्शाया गया है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आधारित विभिन्न पैटर्न्स को बनाया गया है। उच्चतम ऊर्जा स्तर के बहुत ही सुंदर गहन पैटर्न्स बनाए गए हैं, जबकि निम्न स्तर की ऊर्जा कम आकर्षक आकारों को निर्माण करती है। फिर उच्चतम स्तर की ऊर्जा अधिक आनंददायक प्रभावों को जन्म देती है। आदर्श तौर पर हम सभी जितना ज्यादा हो सके जीवन में प्रेम और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। ये हमारी सबसे उच्चतम स्तर की ऊर्जा वाली भावनाएं होती हैं, और ये हमारी मदद हम जो चाहते हैं उसे प्रत्यक्ष करने में करेंगी, तथा उससे भी आगे और भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे भीतर भी करेंगी। इसके विपरीत घृणा, क्रोध और निराशा की भावनाओं में बहुत ही निम्न स्तर पर ऊर्जा होती है। वे हम जो नहीं चाहते उसे हमारी ओर अधिक आकर्षित करते हैं। ऊर्जा के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए हमें अच्छी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अच्छी ऊर्जा की ही कल्पना आवश्यक तौर पर करनी होगी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमीटर और रिसीवर में हम जो वाइब्रेशन रखते हैं, वह हमेशा ही उन सभी चीजों को हम तक खींच कर ले आते हैं जो ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस ब्रह्मांड में हम अपनी जिन भावनाओं को डालेंगे, वे उसी के समान ऊर्जा के साथ मिलान करते हुए हम तक वापस आ जाएंगे। तो यदि आप खुशी की भावना को भेजते हैं, तो वह आपको उससे भी अधिक आनंद देने वाली चीजों को आप तक खींचकर ले आएगी। आम तौर पर हमें यह भ्रम होता है कि हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारे पास वह होगा जो हम चाहते हैं। सच तो यह है कि आप चाहें तो भी अभी से अच्छा महसूस करना शुरू कर सकते हैं। जिन भावनाओं की हम कल्पना करते हैं, वे हम तक जैसे को तैसा वाली कहावत के आधार पर हमारे अनुभवों से वापस आती है। अंततः खुद से प्यार करना और अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया हाथों हाथ चलती है। जब आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, आप अपने लिए प्रेम और उस देखभाल का प्रदर्शन करते हैं जो आपके लिए जरूरी है और आपका हक है। इस तरह आप अच्छा महसूस करते हैं और अपनी ओर अच्छाई को ही आकर्षित करते हैं। सकारात्मक कदम उठाकर और अपनी मानसिकता में बदलाव कर आप बहुत सी अच्छी चीजों की कल्पना कर सकते हैं। खुद से प्यार कर आप उस जीवन को जिएंगे जिसे आप प्यार करते हैं।